नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर 2024 वाली परीक्षा में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, आप निराश हो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर आप इंतजार कर रहे हो 18 साल पूरे होने के बाद एसएससी जीडीएम भर्ती होने का, तो आपके पास 2025 में बेहतरीन सुनहरा मौका होने वाला है। क्योंकि अभी आपको पता है कि भर्ती आप सभी की अगस्त में आ जाएगी। अगस्त में भर्ती आने के बाद 2025 में आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अब वहाँ पर कितनी वैकेंसी आएगी आप सभी के लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन रखा है, उससे जुड़ जाओगे तो कुछ नोटिस वगैरह आप सभी को मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और कुछ पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेगी। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, जिनका 2024 में एग्जाम खराब हुआ वो री अटेम्प्ट तो देंगे। अगर वो मतलब एलिजिबल है, एज वगैरह अगर है उनकी, तो जरूर देंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत बेहतरीन मौका रहेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इस बार भर्ती कितनी आएगी। देखो, रूमर्स की बात करें, जो अफवाहें फैल रही हैं, वो लगभग फैल रहा है कि जो 26,000-30,000 वैकेंसी है वो फिर से आप सभी को देखने को मिलेगी इस बार फिर से। और इतने अभी मैंने इस पर आरटीआई भी लगा दी है, तो आरटीआई का जवाब आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। आरटीआई मैंने लगा दी है वैसे एसएससी में कि कितनी 2025 वाली वैकेंसी जो है उसमें कितनी पद आप सभी खाली है और कितनी वैकेंसी रिलीज होने के चांसेस हैं, तो उसे मैंने लगाया हुआ है। देखिए, जैसे उसका रिप्लाई आएगा तो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे अच्छा मौका जिनके पास है, जो यहाँ पर री अटेम्प्ट देना चाहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर री अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 2024 में आपसे जो भी गलतियाँ हुई उन सारी गलतियों को आप भूल जाओ, अब बस ध्यान दो 2025 में। और जो यहाँ पर नए बच्चे हैं, नए बच्चे की बात करें, जैसे कि जो फ्रेशर है उनके पास भी बहुत सुनहरा मौका है। जो लगभग वैकेंसी की बात की जा रही है वो 30,000 वैकेंसी की बात की जा रही है। तो आपको पता है सिंपल सा, आप सभी का वही 18 से आप सभी की एज मांगते हैं। अगर आप 18 साल पूरा हो चुके तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर केवल आप 10वीं पास मांगते हैं, बस दो चीज़। हाइट यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मांग लेते हैं, 170 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते, हिल एरिया वगैरह से, या फिर कोई स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो वहाँ पर हाइट में छूट मिल जाती है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास एलिजिबल हो मेरे भाई, तो एसएससी जीडी की तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल सिंपल सिलेबस रहता है यहाँ पर आपको, हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश में चॉइस मिलती है। उसके बाद आपका मैथ आता है, आपका रीजनिंग आता है, और आपका जीके जीएस आता है, ठीक है। ये चार सब्जेक्ट ही आप सभी को देखने मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक करना है। सभी के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 20, 20, 20, 20, 20, 20, यानी टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आप सभी का दो नंबर का होता है, 160 नंबर का पेपर होता है। और निगेटिव मार्किंग 1/8 आपकी 8 की रहती है, और मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 1/8 की रहती है। इस तरह से मतलब दो तीन तरह कैलकुलेट करने के, तो 1/4 भी कहते हैं कुछ लोग 1/8 कहते हैं। मन अगर रियल की बात करें, नंबर्स की बात करें, नंबर्स में आप सभी की 1/8 की रहती है निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर सिलेक्शन होने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आप सभी का फिजिकल होगा। फिजिकल में आप सभी की 5 किलोमीटर रनिंग रहती है, फीमेल के लिए भी थोड़ी सी रनिंग कम रहती है, 1600 मीटर रनिंग रहती है, तो बढ़िया है मेल फीमेल के लिए, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी जितनी भी है मेरे भाई आप सभी के लिए, मैंने आपको बता दिया, लगभग आप सभी की 30,000 वैकेंसी निकलने के पूरे पूरे चांसेस है। अब देखो भाई, एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे मैंने आरटीआई लगा रखी है, या फिर कोई इंटरनल नोटिस प्राप्त होगा, वो सारी चीज़ें भी आप सभी को बता दूंगा। तो जो रूमर्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 30,000 वैकेंसी, और बहुत ज़्यादा लंबा समय बचा ही नहीं आप सभी के। देखो, अगर आप बात करो अभी आप सभी का, क्या जून आने वाला है, मई तो गया, जून, जुलाई और अगस्त। अब देखो, ये वीडियो अभी बना क्यों रहा हूँ भाई, इतनी जल्दी क्यों बना रहा हूँ? देखिए, बात यह है कि इसके सिलेबस को कंप्लीट करना टाइम लगता है। अभी देखो, मैं बताया ना, यहाँ पर दो तरह के लोग बैठेंगे, एक जो री अटेम्प्ट दे रहे होंगे, जो 2024 वाली भर्ती में खराब हुआ, उनकी तैयारी कुछ ना कुछ तो हो ही चुकी होगी, 70% 80% कुछ ना कुछ तो हुई होगी, तो वो दोबारा से बैठेंगे। और कुछ फ्रेशर बैठेंगे, फ्रेशर जो है वो नई तैयारी, तो ये वीडियो दोनों के लिए, जो 70% तैयारी कर चुके हैं वो थोड़ी सी और मेहनत करें ताकि उनका मतलब अच्छा नंबर आए और इस बार सिलेक्शन हो। और जो फ्रेशर बच्चे हैं, वो बच्चे मतलब कि अगर अभी शुरुआत करेंगे जून, जुलाई, अगस्त, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कम से कम आपके पास 6 से 7 महीने रहेंगे आपको भरपूर तैयारी का। और एसएससी की तैयारी करना है आपको, कम से कम 6 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा। 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, मगर वो मज़ा नहीं आएगा। सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, रीजनिंग पढ़ लोगे, मैथ पढ़ लोगे, जीके जिस पर सब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, मगर वो मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। ना मॉक टेस्ट लगा पाओगे, ना प्रैक्टिस कर पाओगे, ना समझ पाओगे, ना एक एक्सपीरियंस ले पाओगे, कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो कम से कम 6 मंथ की जो प्रिपरेशन है वो आप सभी की होनी चाहिए। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें, अगस्त में बताया गया फॉर्म आया, फॉर्म में लेट भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। आपके जो एग्ज़ाम की बात करें, वो फरवरी मार्च तक आप सभी के एग्जामिनेशन होंगे, इतना बात की जा रही है, फरवरी मार्च तक आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो भाई, आपके पास टाइम है पूरा पूरा भरपूर, आप अपने से अच्छे से तैयारी करो, और उसके बाद बढ़िया से अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको सिलेक्शन लेने में भी आसान रहेगा। क्योंकि बार बार अटेम्प्ट देने में यार, मतलब देखो, जितनी बार अटेम्प्ट दोगे उतनी बार डिमोटिवेट होगे,
तो डिमोटिवेट होने से बचने के लिए जितना कम अटेम्प्ट दो, मतलब कि जितनी ज़्यादा मेहनत कर लो एक बार में उतना ही अच्छा रहता है। अगर बार बार अटेम्प्ट दोगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर इन्हीं सब बातों साथ मैं अलविदा लेता हूँ। बाकी आप सभी तैयार हो जाओ, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे कि कौन कौन तैयारी में लग रहा है। और इस बार आप सभी को पता है कि थोड़ा डिले चल रहा है, और भर्ती इस बार ज़्यादा आने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है, 2-4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है उसके बाद जो पहले शुरुआती साल होता है, पहला साल, उसमें वो अच्छा करने की कोशिश करती ही है, तो उसके बाद फिर वो लास्ट के साल में करते जब जब चुनाव होने वाला होता है। तो 5 साल में देखा जाए तो पहले साल और आखिरी के 2 साल, उन 3 साल में ही अधिकतर आपको सरकार के काम देखने को मिलेंगे। बाकी बीच के जो साल होते हैं उसमें ना भर्ती सही से आती ना काम अच्छे से होता है। तो कुल मिला के शुरुआती के साल रहेगा आप सभी का। अभी सरकार बन जाएगी, कोई भी सरकार बनती है तो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, कुछ जनता को दिखाने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है यहाँ पर इसीलिए रूमर्स यहाँ फैल रहा है कि वैकेंसी आपकी भी ज़्यादा आएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि वैकेंसी कितनी आएगी। चलिए फिर अभी के लिए जल्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।